कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए विशेषज्ञ से लेकर सरकारें तक हर कोई अपने अपने स्तर पर काम कर रहा है। लोग सुरक्षित रह सकें इसके लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है और कोविड 19 के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा जा रहा है। वहीं कोरोना अब तक अपने काफी बार रूप बदल चुका है, जिसकी वजह से ये वायरस हर किसी को डरा रहा है। इन सब के बीच इन दिनों इस वायरस का डेल्टा वेरियंट सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो इसलिए क्योंकि ये काफी घातक वेरियंट बताया जा रहा है। कोरोना के तक सामने आए वेरिएंट में से ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में इससे बचने के लिए हाल ही में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के निदेशक डॉक्टर रोशेल वालेंस्की ने मास्क किन किन जगहों पर पहनना उसको लेकर रिपोर्ट जारी की। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। घर के अंदर भी पहने मास्क। CDC के रिपोर्ट में अपील की गई है कि जिन क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमित ज्यादा हैं, वहां लोगों को घर में भी मास्क पहन कर रखना चाहिए। इसके पीछे डेल्टा वेरिएंट के खतरनाक रूप को वजह बताया जा रहा है। बाकी सभी वेरिएंट के मुकाबले में डेल्टा वेरिएंट काफी खतरनाक बताया जा रहा है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर पहने मास्क। अपनी रिपोर्ट में CDC की तरफ से कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क पहनकर रखना चाहिए। जो लोग 2 साल या उससे अधिक उम्र के हैं और जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, ऐसे लोगों को स्कूल या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनकर रखना चाहिए। वैक्सीन लगवा चुके लोग पहने मास्क। जो लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं उन्हें भी मास्क पहनने के लिए कहा गया है। अगर आप वैक्सीन लगवा चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मास्क पहनकर नहीं रखना है। वैक्सीन लगवा चुके और ना लगवा चुके दोनों तरह के लोगों को मास्क पहन कर रखना है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।